आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, 3 बार नेशनल अवार्ड की विजेता, सौंदर्य और कला का भंडार, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत जी, और एक्सपर्ट में है हमारी साली भूरी, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। जीजू, मेरे लिए सिर्फ भूरी कंगना, वो क्या है ना, आज आप आई हैं तो इसलिए आपको ब्यूटीफुल बोले, वरना जीजू तो मुझे ही रोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी बात में ही आ गया कि ये जब नहीं होती हैं तब हम तुम्हें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हैं, आज ये हैं तो हम तुम्हें क्यों बोलेंगे ब्यूटीफुल, और जब बोलते भी हैं ना तो झूठ बोलते हैं। आई एक्सेप्ट, क्लियर कर दिया हमने। हाँ तो आप कौन से शाहरुख खान है? देखिए आप इनको, अदरक बन गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। देखिए, ये तो आपका चापलूसी करने के लिए आपका फिल्म का लाइन बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमें पता है हम कोई अदरक की तरह नहीं बढ़ रहे हैं, हम कद्दू की तरह बढ़ रहे हैं, लाइक ए पंपकिन। कंगना जी, पंपकिन इज क्यूट, वेरी क्यूट, थैंक यू वेरी मच। वैसे कंगना जी, सच बताएं तो हमारा और आपका अगर एक गुण मिल जाए ना तो हमारे कुछ बात आगे बढ़ सकती है। कौन सा गुण? रंगून। बस ऐसे ही बातों बातों में हम जोक ढूंढ लेते हैं। ये तो जोक ढूंढ लेते हैं, लेकिन सामने वाले को लाफ्टर ढूंढना पड़ता है। हमारी बात में सामने वाला लाफ्टर ढूंढने की मेहनत तो करता है, इनकी बात के बाद तो सीधा गाली गलौज पे आ जाते हैं लोग। वैसे कंगना जी, देखिए आप अपनी फिल्मों में काफी बार रानी का रोल कर चुकी हैं, लाइक आइदर किरदार रानी का या आप रानी बनी हैं, तो अगर आपको कभी बादशाहों का जरूरत हो ना तो हमें जरूर बताइएगा। आप कहाँ से लाएंगे बादशाह? एक तो अपना वो सिंगर बादशाह है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, वो तो है ही। दूसरे बादशाह हम हैं, और तीसरे बादशाह हम हैं, समझ में आया चपड़ गंजू? अर्चना आए तो कह देना कि परमीत आया था, और परमीत आए तो कह देना कि अर्चना आई थी, और अगर दोनों ना आए तो समझ जाना कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा खेला चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तेरे खेला का ठेला, और जितनी जगह तूने घेरी है उसमें लग सकता है कुंभ का मेला। कंगना जी, आलू छोले सस्ते हैं, आपको हमारा नमस्ते है। नमस्ते है, अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है, अतिथि देवो भव है, भवो देवो अतिथि है, कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई कहते कि एवरीथिंग इज गिवन ओके। बैठ जाइए शत्रु जी, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। कंगना जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमारे एक्सपर्ट होने तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ। एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट मैं हूँ कंगना, आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप हमें इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हमसे मुंह फेरेंगे, हमें रिश्ता तोड़ेंगे, हमारा नाता तोड़ेंगे? खेला का संचालक होने के नाते हम आपको पनिशमेंट देते हैं, कान पकड़ के खड़े हो जाइए। तो ये लो। अरे यार, हमारा कान नहीं, अपना कान पकड़ के खड़े हो जाइए। हमसे तो आज तक हमारे अपने हाथ नहीं पकड़ेंगे, कान कैसे पकड़ेंगे? समझे? समझ में आया? बधाई हो के लल्ला, हरिद्वार का गल्ला, क्रिसमेर का बल्ला, और एक नंबर का नल्ला। अरे काफिया मिलाने वाले अंकल, आप किसी ना मुशायरे में जाइए, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है। तेरा जीजा का पीजा, अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का खेल है तो तुम जैसे ओंगे पोंगे यहाँ पे क्यों बैठे हो? शत्रु जी, जरा हमारी साली से तमीज से बात कीजिए। तेरी साली का भंसाली। ठीक है भाई, हमारी साली का भंसाली, हमारी साली का भानुशाली, हमारी साली का मवाली, हमारी साली का कवाली, सारे बोल दिए, हो गया आप? नहीं, तेरी साली का मनाली। अब हुआ पूरा, तो यहाँ के एक्सपर्ट हम हैं, समझी पोंगी? ठीक है, तो मैं कंगना के साथ बैठ जाती हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यस प्लीज। ये हेल्प करेगी जिसका खुद का मुंह हेल्पलाइन जैसा। अच्छा, हमने सिर्फ इसको ओंगी बोला था, लेकिन कंगना के साथ बैठ के पोंगी भी लग रही है।
एक नंबर के ढोंगी लग रहे हैं। चुप चपड़ गंजू मुगलों के हाथी को फाड़ के पैजामा पहनने वाले। आपके कहने का मतलब है कि हाथी को हम फाड़े पर ऐसे पैर डाले और हाथी को पहने, यहाँ से चेन बंद करे, उसके सून के दस्ताने बनाए, पहन लिया, ये हम हाथी आए। कैसी बातें कर रहा बेवकूफ कहीं का, ऐसे कभी होता है? हम खेला शुरू करते हैं। हाँ चलिए खेला शुरू करना। कन्वर लाल, ओ सॉरी ये तो अर्चन है। ऑडियंस बदा मजा मचो। जय कपूर जय जितेंद्र। अर्चना जीतू रहो। थैंक यू। कंगना जीतू रहो। तुम जीतू रहो, तुम कंगना से दूर रहो। अरे टांकी ओ टांकी ओ टांकी 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 रे टांकी ओ टांकी। अरे टांकी टांकी होता है नकली जीतू जी। अरे मैं इस मोटे को बोल रहा हूँ। अरे टांकी ओ टांकी 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 रे, क्या बात है। अरे शत्रु कैसे हो तुम? मैं पहले भी सुपरस्टार था, आज भी सुपरस्टार हूँ, कल भी सुपरस्टार रहूंगा, तुम कैसे हो? मैं पहले भी डांसर था, आज भी डांसर हूँ, हमेशा डांसर ही डांसर रहूंगा। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। शत्रु जीतू रहो। तुम शत्रु रहो। तुम शोभा रहो। तुम पूनम रहो। तुम एकता रहो। तुम सोनाक्षी रहो। तुम तुषार रहो। तुम लवकुश रहो। अरे अरे भाई जो भी रहो चुप रहो। एक एक मिनट, ये चुप रहो किसका नाम है? मेरा चुप रहो सिन्हा, मेरा तो नहीं है, तेरा होगा। वो अलग बात है कि मेरा अर्चना के साथ एक टाइम पे अफेयर था, लेकिन बात वहां तक पहुंची नहीं। चुप रहो कपूर, मेरा भी नहीं है। एकता, हेलो, जीतू रहो। एकता मैं तो कहता हूं यहां पर आ जाओ, कंगना भी यहीं बैठी है, दूसरी फिल्म के लिए भी सस्ते में साइन कर लेंगे। अरे नहीं, जजमेंटल है क्या? सुपर हिट होने वाली है। एक मिनट ऑडियंस, ये मैं पूछता हूं, जजमेंटल देखने जाएंगे आप लोग? इट्स गोना बी अ सुपर हिट। ओके जय जीतू जी। ओके वाह। अरे जीजू आप इस जल्दी से खेल शुरू कीजिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें जाना है? हाँ। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, इसके अलावा जाती कहाँ हो? ऐसा कौन सा काम होता है भाई तुम्हें? कंगना जी, तो ये खेला हम यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दें कि आज जो है खेला में आप धनराशि नहीं जीतेंगी, क्योंकि आप काफी फिल्मों में रानी रही हैं, तो हम आपको शाही चीजें देंगे एज प्राइज। तो हमारा पहला सवाल शाही पनीर के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल यह है कि आपसे पहला सवाल कौन सा पूछा जाए? ऑप्शन है ए ये वाला सवाल, ऑप्शन बी वो वाला सवाल, ऑप्शन सी अपने दिल का सवाल, या ऑप्शन डी वो वाला सवाल जिसका जवाब अक्सर होता है नो कमेंट्स। ये क्या सवाल पूछे, कुछ तो अच्छा सवाल पूछे। ये अच्छा क्या सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? इतने बड़े हो के ये सब करते हुए शर्म नहीं आती आपको? तुम इतनी बड़ी हो के इतनी छोटी रह गई, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमसे बड़े लंगूर के अंगूर होते, समझ में आया बताऊं कि लल्ले? करोड़ों की फिल्में करने वाली इतनी बड़ी अभिनेत्री के सामने ऐसी बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे आपके बारे में? तुम्हारी इसी बात ने हमें कुछ कहने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। अरे एक मिनट शत्रु, यार तेरे से एक सवाल पूछना था। तू इतने सालों से इंडस्ट्री में, ये प्रेरित में बड़ी की मात्रा लगती है छोटी की मात्रा लगती? प्रेरित में बड़ी ई की मात्रा आए या छोटी ई की मात्रा आए, लेकिन जब छाम आए तो कहना चेनू आया था। एक, बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो एक नए सीरियल का आइडिया है, मेरे पास तो टाइटल भी है, सांस आए तो कह देना कि बहू आई थी। इसके 1000 एपिसोड में सोनी में लॉक करा रहा हूँ। ओके जय जितेंद्र। ओके वाह, यहाँ एक सवाल पे 1000 एपिसोड बना लिए, यहाँ पे एक एपिसोड बनने नहीं दे रहे आप। हाँ तो 1000 एपिसोड होंगे, लेकिन तू सिर्फ एक ही एपिसोड में होगी। बढ़िया है। अंकल भूरी वो हैंडपंप है जो ऊपर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गहरी भी होती है। हैंडपंप, खाली जरा ध्यान रखना कहीं गदर का सनी देओल आके तुम्हें उखाड़ ना दे।
चलिए कंगना जी, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए आप। दिल का सवाल पूछिए। दिल का सवाल, लेट मी चेक योर आंसर। सही जवाब, सही जवाब। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़बड़ो यार। सही था तो इतना टेक ऑफ करने की क्या जरूरत थी? अरे अरे अरे, बेवकूफ कहीं का। आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसके लिए आप जीतते हैं ये शाही पनीर हमारी तरफ से, प्लीज। लेकिन इसको खाने से पहले आपको बोलना होगा, बाप मुलायजा होश यार, हम पनीर खा रहे हैं, क्योंकि सही है ना। सो इट जस्ट अ रिक्वेस्ट। एनीवेज, तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं आपसे शाही दवा के लिए। आपको बुखार हो या जुखाम हो, आप ये शाही दवा ले लीजिए। तो आइए, अगला सवाल में थोड़ा सा कॉकरोच का इन्वॉल्वमेंट है कंगना जी, और आपका फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, कमाल का कॉकरोच वाला डायलॉग बोलती है आप फिल्म में। तो हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, आपके मुंह से एक बार वो कॉकरोच वाला डायलॉग सुनना चाहेंगे अगर आप। सर, मेरे घर में एक कॉकरोच है, आता जाता रहता है। आज वो आया और रीमा और केशव के फोटो के बीच में जाके बैठ गया। इसका क्या मतलब हुआ? उसे इंसाफ चाहिए। कॉकरोच को इंसाफ चाहिए, ये लीजिए, कमाल का है। लेकिन इसके साथ कॉकरोच से रिलेटेड हमारा जो सवाल है वो ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल है कि कल एक कॉकरोच जो है आया हमारे कमोड पे बैठ गया। अब सवाल यह है, ये बताइए कि वो कहना क्या चाहता है। गुड गॉड। ऑप्शन है ए, वो कहना चाहता है कि पहले हम आए तो हम करेंगे। या ऑप्शन बी, वो कमोड पे बैठ के बाकी कॉकरोचों को संदेश देना चाहता है कि शौच खुले में ना करें। ऑप्शन सी, कॉकरोच आता है इसलिए आज भी आ गया है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उसका जीवन में। या ऑप्शन डी, उसका मूड थोड़ा खराब है इसलिए कमोड पे बैठ के अपना मूड ठीक कर रहा है वो। तो बताइए, एक्सपर्ट आपको राय देना चाहेंगे। हमें लगता है कि जो कॉकरोच आया है उसने भरपेट खाया है, और जो खाया है वो बाहर आया है, बाकी सब ऊपर वाले की मोह माया। हेलो, एक तो नए शो का आइडिया है, हमने नागिन के साथ बॉस शो बनाया, अगला शो कॉकरोच के साथ बनाएंगे। मेरे पास कहानी भी है, कॉकरोच का एक बेटा कमोड के अंदर गिर जाता है, फिर कॉकरोच जो है घर वालों से बदला लेता है। ठीक है, तुम ठिस 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 भी डाल देना इसमें। ओके ओके बाय, जय जितेंद्र। मेरी एकता से बात कराओ। अरे क्यों नहीं, ये ले। आ एकता। हेलो एकता। अरे ये आवाज क्यों नहीं आ रही? काम कर, एक हाथ इधर और एक हाथ चला। अब आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी बात क्यों नहीं आ रही? अरे बात, एक मिनट, इधर लाउड स्पीकर पे बात कर, तो कर तू पहले कर। एकता कैसी, आज पहली बार फोन पे किसी की बात सुन रहे, मजा आ रहा, खुश हुआ हूँ, उत्साहित हुआ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, धन धन। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। आज तेरे लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। मैं भी तेरे लिए कहना चाहता हूँ, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ए भाई, ये चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ये हमारा दोस्ती का गीत है। दोस्ती का गीत है? हाँ। तो कोई दोस्ती वाला गीत गाइए ना। बिल्कुल गाएंगे। जादू है, नशा है, मदहोशियां है, उसको बुला के मैं जाऊं कहां? हाँ। ये आपका दोस्ती वाला गीत है। हमारे इसी गाने पे दोस्ती हुई थी, मित्रता हुई थी, सहपाठिता हुई थी, घनिष्ठ संबंध हुए थे, याराना हुआ था, मुझे रोक लिया करो नहीं तो और भी पर्यायवाची शब्द बाहर आ सकते। अंकल आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। कंगना आप प्लीज जवाब दीजिए। मेरा मानना है कि जो कॉकरोच है वो वहां पे इसलिए आया था कि बाकी कॉकरोच खुले में शौच ना करें। संदेश देने आया था बाकी कॉकरोच को। आपका जवाब हम जरा चेक कर लें। प्लीज साइन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भेजो यहाँ। अरे रिलैक्स यार, जवाब तुम्हें पता है, हम नकली तो असली में क्यों रहते पहुंचे। अपनी कुर्सी लेके आ। कुर्सी
कोई बात नहीं। बिल्कुल सही जवाब, हमारी तरफ से ये सही दबाव, आप जीतती हैं। तो चलिए अगला सवाल जो है वो अगली जो शाही चीज जो आप जीत सकते हैं वो है शाहिद कपूर। इनके साथ आप रंगून कर चुके हैं, आप बर्मा भी कर सकती हैं, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। तो आइए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंगना जी आप पहाड़ों से हैं, हमारा सवाल है कि अक्सर शादी के बाद लोग हनीमून मनाने पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्योंकि जोखिम भरे काम अक्सर ऊंचाइयों पे ही किए जाते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि पहाड़ों के लोग भोले होते हैं, वहां जाके आप कुछ भी मनाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, ऑप्शन सी शादी के बाद आप घर पे रहेंगे तो आप जीजा और फूफा को ही मनाते रह जाएंगे, हनीमून कैसे मनाएंगे, या ऑप्शन डी ये बड़ा सिंपल वाला ऑप्शन है पहाड़ हनीमून बनाने आपके घर तो आ नहीं सकता तो हनीमून मनाने आपको पहाड़ पर ही जाना पड़ेगा। जाहिर सा बात है। बिल्कुल मुझे ये लगता है कि पहाड़ों में इतनी ठंड होती है कि वहां हनीमून के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं, इसलिए वहां पे हनीमून बनाते हैं। No, so according to my point of view, तेरे व्यू का सी व्यू। और तू मोहन जो दाड़ो के बुखलाए हुए हाथी, जब एक ही ऑप्शन सही है तो चार चार क्यों दे क्यों देता है? क्योंकि हम खेला खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं यार, यहाँ पर तेरे खेला का ठेला। दूसरों की फैमिली के साथ खेला खेलता, अगर मैं तेरी फैमिली के साथ खेला खेलू तो, अगर तेरी नेवले जैसी साली के साथ सांप सीढ़ी खेलू तो तुझे कैसा लगेगा? एक्सक्यूज मी, कोई मेरे साथ गेम खेलेगा मैं उसकी गेम बजा दूं। जब दिल डॉल राजपाल यादव जैसा हो ना तो अमिताभ बच्चन के डायलॉग नहीं बोलते। राजपाल यादव की बनियान। और शत्रु जी कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? तो बात को ही ले जा सकते, कंगना को तो ले जा नहीं सकते। आप हमारे खेला में विघ्न डाल रहे हैं। और क्या विघ्न में तुझको डालू गैंडा लाल कहीं के? इसको संचालक बन के बैठा हुआ कुछ आता नहीं है और एक साली बिठा के रखी है अंगूठे जैसे मुंह वाली। जब से आए हैं मैं और कंगना खेल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आत्मविभोर हो रहे हैं, क्यों ना थोड़ा थोड़ा डांस हो जाए। नहीं नहीं ये गलत बात है, कंगना मेरे साथ डांस करेगी ताकी और ताकी पे, तेरी ताकी की झांकी। अरे चल डांस होगा तो मेरे साथ। नहीं डांस मेरे साथ, देख के संचालक होने के नाते डांस हमारे साथ होगा ऑन लंदन ठुमकदा, तेरे लंदन का लोखंड वाला। डांस होगा तो मेरे साथ होगा। नहीं मेरे साथ नहीं, नहीं कंगना मेरे साथ डांस करेगी वरना यार राड़ा हो जाएगा, मैं बोल रही हूं। तेरे राड़े का नगाड़ा। जिसके भी साथ होगा वखरा स्वैग पे होगा। ठीक है